यहाँ पर हम तीसरे सप्ताह जो कि बाल वाटिका गतिविधियों का तीसरा सप्ताह है, क्या क्या आज गतिविधियाँ आपको अपने विद्यालय में कक्षा एक और बाल वाटिका के बच्चों को करानी है तो उनको देखना है तो वीडियो आप कंप्लीट देखें। तो आज दिन है मंगलवार, तो सबसे पहले मॉर्निंग सर्कल टाइम वही कार्य होगा जो डेली आप करते आए हैं, स्वतंत्र खेल वही होगा। इसके बाद भारत भाषा और साक्षरता कौशल, इस पर काम करना है। तो आज जो कार्य किया जाना है इन गतिविधियों में वो आपको क्या कराना है, शिक्षक के द्वारा किताब से कहानी सुनाना और चित्र दिखाते हुए अनुमान लगाने के मौके देना और कहानी पर बातचीत करते हुए बंद और खुले छोर के सरल प्रश्न करना। कल हमने बिल्कुल सेम प्रक्रिया की थी मंडे को, लेकिन उसमें केवल बंद छोर के सरल प्रश्न थे। अब इसमें हमें क्या करना होगा, खुले और बंद दोनों टाइप के प्रश्नों को यूज करना होगा। इसके बाद लंच टाइम होगा, फिर कला गतिविधियों में आ जाएँ तो चित्रों से रंग भरवाना, तो जो चित्र होंगे कुछ उनमें रंग भरवाना है बच्चों से। इसके बाद में EVS वैज्ञानिक सोच की बात करें, गणित की बात करें, तो इसमें दूर और पास की वस्तुओं का ज्ञान कराना है, कौन सी वस्तु दूर है कौन सी वस्तु पास है। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका कक्षा कक्ष हो सकता है, उसके साथ साथ विद्यालय का जो परिवेश है वो भी हो सकता है। तो वहाँ पर आप बच्चों को ले जा सकते हैं परिवेश में, पेड़ पौधे होंगे, दीवार है, बोर्ड है, क्लास के अंदर कुर्सी है, बुक्स है, पेंसिल है, बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आप दूर पास का ज्ञान करवा सकते हैं। इसके बाद में खेल की बात करें तो ये जो खेल है वो पोषम पा भाई पोषम पा ये खेल है, इसको आप बच्चों के साथ करवाइए। इसके बाद में आगे चलते हैं, तो आगे जो आपको और क्या करवाना है कि बच्चों से मेले के अनुभव के बारे में बातचीत करें, उनके आसपास जो भी मेले लगते हैं कौन सी चीज़ों को खरीदेंगे, उन वस्तुओं का चित्र बनवाएं, चित्रों की सूची बच्चों के साथ मिलकर बनाएं और चार्ट पेपर पर लिखकर कक्षा में लटकाएं। तो बहुत ही आनंददायक पल होंगे, बच्चे जब डेली आके वहाँ पर देखेंगे ये चीज़ें तो बड़ा ही वो अच्छा महसूस करेंगे और बच्चे आकर्षित भी होते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का एक उद्देश्य ही यही है बाल वाटिका का कि बच्चे की जो उपस्थिति है वो बढ़नी चाहिए विद्यालय में और उसके लर्निंग लेवल को हमें बढ़ाना है। तो ये प्रक्रिया है। इसके साथ बता दूं मैं आपको एक यूनिक लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे आप देखिएगा और वहाँ से किस प्रकार से कौन सी गतिविधि आपको करानी है पूरी प्रक्रियाएँ दी गई हैं।